किसी जंगल में एक किसान पक्षी रहता था जिसका नाम सोनू चिड़ा था। सोनू चिड़े के पास पैसे की कोई कमी ना थी। सोनू चिड़ा बहुत मेहनती था, उसने अपने लगन और मेहनत से बहुत तरक्की कर ली थी। सोनू चिड़े की पत्नी का नाम लाडो चिड़िया था जो कि खाने पीने की बहुत ही लालची थी। अरे वाह, मजा ही आ गया, इस बार तो बहुत अच्छी खेती हुई है। लगता है ईश्वर ने मेरी मेहनत का अच्छा फल दिया है। अब इस फसल को बेचकर मैं एक गाय खरीदूंगा। लाडो, अरे यो लाडो, सुन रही हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। ओहो रुको, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? रुको आती हूँ। अभी अभी समोसे बनाए थे और ये आटपके हैं। अरे वाह, आज तो तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। वाह वाह, अब तो हम दोनों मिलकर घर के गाय का ताजा दूध पिएंगे और दही, लस्सी, मक्खन, मिठाई, पता नहीं क्या क्या। वाह वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे अरे, सब अभी ही खा लोगी क्या? लो जल्दी से इसे आंगन में बांध दो। आओ गाय माता, अब मैं ना तुम्हारी खूब सेवा करूंगी और तुम भी मुझे ढेर सारा दूध देना। इतना कहकर लाडो चिड़िया गाय का दूध निकालने लगती है। सुनीता, मैं खेतों पे जा रहा हूँ, शाम को हम दोनों गाय का ताजा दूध पिएंगे। रात को जब सोनू चिड़िया अपने घर वापस आता है, लाडो, अरे ओ लाडो, जल्दी से हमारी गाय का दूध लाओ, मुझे तो सुबह से इसका इंतजार था। लाडो दूध पीते हुए कहती है, हाँ हाँ रुको रुको, अभी आती हूँ, अभी थोड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद लाडो चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, आ गए आप, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे लाडो, आज मैं पानी नहीं दूध पीऊंगा। लेकिन घर में दूध तो है ही नहीं। क्या, कहाँ गया सारा दूध? अरे अब मैं क्या बताऊँ, मैंने सारा दूध निकाल कर बाल्टी में रखा था, कहीं से एक बिल्ली आ गई और सारा दूध पी गई। मैंने भी एक बूंद भी नहीं पी थी दूध की। हे भगवान, आज तो इस बिल्ली ने सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं कल दूध पी लूंगा। अगले दिन, लाडो मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम रोटी के साथ दही लेकर खेतों पर ही आ जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। आहा, मजा ही आ गया। आओ लाडो जल्दी बैठो, क्या लाई हो खाने में आज? लाना क्या है, वही रोटी और सब्जी है। क्या कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे दही खाना है। लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए दही बना ही रही थी कि कहीं से उसमें एक छिपकली गिर गई और मुझे सारा दही फेंकना पड़ा। इतना कहकर लाडो चिड़िया फिर से रोने लगती है। हैं, क्या कहा, छिपकली? अच्छा हुआ तुमने समय पर देख लिया। रहने दो दही, मैं शाम को आकर दूध पी लूंगा। शाम में सोनू चिड़ा अपना काम खत्म करके वापस जब अपने घर आता है तो कहता है, लाडो कहाँ हो तुम? आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे घर पर कोई नहीं है, चलो देखते हैं कि क्या बना है आज। अरे आप इतने जल्दी, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आज खेत का काम जल्दी हो गया तो मैंने सोचा घर चलकर आराम कर लेता हूँ। अच्छा ही हुआ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ हाँ लाडो जल्दी लेकर आओ, मुझे तो आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कहा, खुशबू? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पड़ोस वाले घर से मिठाई आई थी, उसी की खुशबू होगी। रुको मैं अभी लाती हूँ। अगले दिन जब सोनू चिड़ा अपने काम पर जा रहा होता है तब, अरे सोनू बेटा कहाँ चल दिए इतनी सुबह सुबह, आओ जरा यहाँ बैठो। राम राम अम्मा, बस खेतों की तरफ जा रहा था। अरे बेटा क्या बात है, तुम तो बहुत ही उदास लग रहे हो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब क्या बताऊँ अम्मा, मुझे तो बताते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है।
मेरी पत्नी लाडो बहुत ही लालची है। हमारी गाय का दही, मक्खन, दूध सब खुद ही चट कर जाती है। तुम ही बताओ अम्मा क्या करूं? अम्मा हंसते हुए कहती है, अरे बेटा सोनू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मोती देती हूँ, इसे तुम ले जाकर अपनी रसोई में रख देना। पर याद रखना, इसके बारे में तुम अपनी पत्नी या फिर किसी को भी नहीं बताओगे। इससे काम हो जाने के बाद मुझे इस मोती को तुम वापस कर देना। अम्मा वो मोती सोनू चिड़े को दे देती है। ठीक है अम्मा, अब चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद सोनू चिड़ा अपने घर आ जाता है। लाडो मैं खेतों पे जा रहा हूँ, तुम छाछ लेकर वहीं आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ, मैं आती हूँ खाना लेकर। अच्छा ही हुआ ये आज जल्दी चले गए खेतों पर, मैं तो आज खीर बनाऊंगी और खुद ही खाऊंगी सब। अच्छा तो खीर बनाएगी तू आज है? अरे ये कैसी आवाज सुनी मैंने? अच्छा लगता है मेरा वहम है। अरे वाह, आज मैंने बहुत ही अच्छे खीर बनाई है, अब रुका नहीं जा रहा, खा ही लेती हूँ। बना ली खीर, अब इसे अकेले ही खा जाएगी क्या? ये क्या हो रहा है, कौन है यहाँ? डर गई क्या? इतना डरती है तो छुप के क्यों खाती है ये आवाज? हे राम, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई दरवाजे से झांक रहा है। अरे दरवाजे पर भी कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया घर में? अच्छा तो तू फिर से खाने लगी, याद रखना अगर तूने खाने की चप चप की तो तू गई काम से। कौन है और सामने क्यों नहीं आता? इतना डरती है तो अकेले छिप कर क्यों खाती है? लाडो चिड़िया भाग कर सोनू चिड़े के पास जाती है। क्या हुआ लाडो, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? लाडो चिड़िया डरते हुए कहती है कि हमारे घर में भूत है। भूत? कैसा भूत? अच्छा तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि सारा दूध कहाँ जाता है। तुमने खाने के लालच में आकर मुझे जरा सा भी दूध नहीं चखने दिया। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब से मैं जो भी बनाऊंगी सबसे पहले आपको खाने को दूंगी। अगर बच गया तो मैं खाऊंगी, नहीं तो भूखी ही रह जाऊंगी, लेकिन कभी लालच नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ उस भूत को। लाडो तुम घर के बाहर ही रुकना, मैं अभी उस भूत की खबर लेता हूँ। सोनू चिड़ा अंदर जाकर मोती को छुपा कर कहता है, लाडो आ जाओ, मैंने उस भूत को भगा दिया है। अब लाडो जब भी कुछ बनाती सबसे पहले सोनू चिड़े को देती। सोनू चिड़ा भी गाय का दूध पीकर और अच्छे अच्छे पकवान खाकर बहुत मस्त रहने लगा।